केकेआर में हुई तीन तीन धांसू खिलाड़ियों की एंट्री, विरोधी टीमों के लिए बजी खतरे की घंटी, ये खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से जीत दिलाते हैं, विरोधी टीमों के पसीने छुड़ाते हैं। आईपीएल 2023 के लिए सभी टीमों को अपने अपने रिटेन खिलाड़ियों का ऐलान 15 नवंबर तक करना है। इससे पहले ट्रेड विंडो खुली हुई है और टीमें आपस में खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त कर सकती हैं। ट्रेड विंडो के तहत कोलकाता की टीम ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन खिलाड़ियों को अपने बेड़े में शामिल किया है। इनमें से दो विदेशी खिलाड़ी हैं और एक भारतीय ऑलराउंडर हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से तीन खिलाड़ी हैं जो अब आपको अगले सीजन में किंग खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हुए दिखाई देंगे। केकेआर की टीम में आए गुजरात के मैच विनर्स। केकेआर की टीम ने आईपीएल 2023 के लिए जिन दो विदेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम में ट्रेड किया है वो गुजरात टाइटंस की टीम से आए हैं। ये दोनों खिलाड़ी पिछले सीजन में गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा थे, लेकिन आईपीएल 2023 में ये दोनों खिलाड़ी अब आपको केकेआर की टीम से खेलते हुए दिखाई देंगे। केकेआर की टीम ने आईपीएल 2023 के लिए लॉकी फर्गुसन और रहमानुल्लाह गुरबाज को गुजरात टाइटंस से ट्रेड विंडो के तहत अपने साथ जोड़ लिया है। 2022 में चमके थे फर्गुसन, लॉकी फर्गुसन आईपीएल 2022 में शानदार लय में दिखे थे। उन्होंने 13 मुकाबलों में गुजरात टाइटंस के लिए 12 विकेट चटकाए थे और एक मैच में उन्होंने 4 विकेट भी झटके थे। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में लॉकी फर्गुसन को गुजरात टाइटंस की टीम ने 10 करोड़ रुपए की कीमत पर खरीदा था। हालांकि केकेआर की टीम ने आईपीएल 2022 के लिए लॉकी फर्गुसन को खरीदने में कोई रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन अब केकेआर की टीम ने उन्हें 10 करोड़ रुपए की कीमत पर अपने साथ जोड़ लिया है। वैसे आपको बता दें कि लॉकी फर्गुसन गुजरात टाइटंस के साथ खेलने से पहले केकेआर की टीम का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आईपीएल की मेगा ऑक्शन में केकेआर की टीम ने लॉकी फर्गुसन को नहीं खरीदा। लॉकी फर्गुसन के अलावा केकेआर की टीम ने अफगानिस्तान के खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज को भी गुजरात टाइटंस से ट्रेड करके अपने बेड़े में शामिल किया है। रहमानुल्लाह गुरबाज को चोटिल जेसन रॉय की जगह गुजरात की टीम में जोड़ा गया था। हालांकि गुरबाज को कोई भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। ये तो हुई दो खिलाड़ियों की बात, लेकिन एक और खिलाड़ी है जिसे केकेआर की टीम ने इस ट्रेड विंडो में ट्रेड करके अपने बेड़े में शामिल किया है, और खास बात यह है कि ये खिलाड़ी एक भारतीय ऑलराउंडर है। शार्दुल ठाकुर भी केकेआर में हुए शामिल। केकेआर की टीम ने इस ट्रेड विंडो में शार्दुल ठाकुर को भी ट्रेड करके अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। केकेआर ने शार्दुल ठाकुर को दिल्ली कैपिटल्स की टीम से ट्रेड किया है। आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेले थे। दिल्ली की टीम ने आईपीएल के मेगा ऑक्शन में शार्दुल ठाकुर को 10 करोड़ 75 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। दिल्ली की टीम में खेलने से पहले शार्दुल ठाकुर महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन पिछले मेगा ऑक्शन में शार्दुल ठाकुर को दिल्ली की टीम ने खरीद लिया। लेकिन अब दिल्ली ने शार्दुल ठाकुर को केकेआर के साथ ट्रेड कर दिया है और अब शार्दुल ठाकुर आईपीएल 2023 में केकेआर की टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। भले ही केकेआर की टीम ने अब तीन तीन नए खिलाड़ियों को अपने बेड़े में शामिल कर लिया हो, लेकिन 15 नवंबर तक केकेआर की टीम को अपने कुछ पुराने खिलाड़ियों को टीम से बाहर करना होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब केकेआर की टीम कौन कौन से खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इतने सारे बदलाव करने के बाद क्या केकेआर की टीम आईपीएल 2023 का खिताब जीत पाएगी? क्या किंग खान की यह टीम तीसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी उठा पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।